हेलो नमस्ते सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। सो दोस्तों स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टोलर दारा में। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मजे में होंगे और ऐसे ही मजे करते रहो यार। मजे करने के लिए जितना टाइम मिले उतना कम पड़ता है, मुझे तो ऐसे लगता है। आई होप आप भी ऐसे ही मानते होंगे। आज का व्लॉग कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं है, मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जाने वाले हैं भी कहीं ऐसी जगह में जिसका इंतजार हमें बहुत लंबे टाइम से था भाई। ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं हमें और आज वो दिन आ गया जो 2 साल से हम वेट कर रहे थे। सो हमारी एक्साइटमेंट की जो वजह है, हमारी बोले तो मैं अपने पूरे परिवार पूरी फैमिली की बात कर रहा हूँ, हम सबके सब बहुत एक्साइटेड है भाई। क्योंकि आज से लगभग 1 साल 11 महीने पहले हमारी सबकी इकलौती बेटी, भतीजी, दीदी हम सबसे दूर गई थी पढ़ने, स्टडी के लिए गई थी कनाडा। सिमरन, सही समझा, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर सिमरन के बारे में। हमारी बेटी 1 साल 11 महीने के बाद शी इज कमिंग बैक और अभी हम उसे लेने जा रहे हैं एयरपोर्ट। यार आप समझ रहे हो ना, मतलब किसी से 2 साल बाद मिल रहे हो, जिसके बाद अपने पूरा बचपन से लेके साथ में रहे, कभी उसने कोई घर में कोई काम नहीं करा और आज वो 2 साल से वहां पे खुद अपने हिसाब से रह रही है, खुद पका रही है, खुद खा रही है, जॉब कर रही है, स्टडी कर रही है। सो भाई आई एम वेरी मच एक्साइटेड, हम पूरी फैमिली बहुत एक्साइटेड है। मतलब आज अभी लगभग 8 बज रहे और 9 बजे उसकी फ्लाइट लैंड करेगी, हम टाइम पे हैं, उसके बाहर आने में 1 घंटा लगेगा। आज का दिन बड़ी मुश्किल से कटा है यार, सुबह से ही हो रहा है, कब शाम होगी। अरे अभी 2 ही बजे, अभी 4 ही बजे भाई, पूरा दिन निकालना भारी पड़ गया शाम के इंतजार में। वेल फिलहाल वो टाइम आ गया, अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं, सीधा एयरपोर्ट जाएंगे। एयरपोर्ट जाएंगे यहाँ से मैं, सक्षम और वायु और वरुण हमें वहीं ज्वाइन करेगा एयरपोर्ट पे, और वहाँ पे शुभम और कशिश वो दोनों भी मिलने वाले हैं। फिर हम सब साथ में आएंगे डॉक्टर सिमरन डेढ़ा को लेके। चलो चलते हैं, जल्दी से गाड़ी में बैठ के बात करते हैं आपसे। सो अभी हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए और भाई एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि वेट भी नहीं कर रहा यार। सक्षम बोलता अगर हमें वेट ही करना तो घर पे बैठ के क्यों करें, एयरपोर्ट के बाहर करेंगे। क्यों बेटा रेडी है एयरपोर्ट के बाहर वेट करने में? कहाँ पे छिपेगा? अच्छा सही है, सही है, ये भी ठीक है। पहुंच गए एयरपोर्ट पार्किंग में। अराइवल पे ना हमारी गाड़ी नहीं पहुंच सकती, वहाँ पे अलाउड नहीं होता गाड़ी पहुँचना, तो हमने पार्किंग में लगा दी और यहाँ से पैदल जाएंगे। और यहाँ से पहुँचने में मुझे लग रहा है बहुत ही लिफ्ट 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 होगी, जल्दी आ जाओ जल्दी से। फ्लाइट मेरे हिसाब से 9:36 है तो लैंड होगी होगी, बट सिमी का अभी तक कॉल या मैसेज कुछ नहीं आया, तो शायद अभी उसका फ़ोन ऑन नहीं हुआ। भी घड़ी के हिसाब से 9:43 हुआ और मेरे हिसाब से आधा घंटा भी और लगने वाला है, हमें ना आधा घंटा और वेट करना है, बट मैं यहीं खड़े होकर वेट करूँगा। मुझे ना मोमेंट जो है ना कैप्चर करना भाई, आई वॉन्ट टू सी ना कि जब सिमी अंदर से बाहर आ रही होगी, तो मैं 1 सेकंड भी चांस नहीं लूँगा लूज लेने का, पीछे होने का। हम सब ने बहुत ट्रैवल करा है, यकीन करो कि आज पहली बार मैं अराइवल पाया हूँ। मतलब अंदर से बाहर आते हैं वो अराइवल पर आना अलग बात है, बट पहली बार पिक करना है हूँ सिमी को, नहीं वैसे भी पहली बार पिक करना है। हाँ वो हम सभी पहली बार अराइवल पाए हैं, क्यों मुझे तो पिक करने कोई आते नहीं। मुझे लग रहा है सिमी जानूज की नेट ऑन नहीं कर रही, मे बी ऐसा हो सकता है कि बाहर वेट करा दूँ, इंतजार करा दूँ ढंग से ना, इसलिए नेट ही ऑन नहीं करी। फ्लाइट लैंड हुए भी आधा पौना घंटा हो गया, बट अभी तक दोनों नंबर से दोनों नेट ऑन। वो देख रही हो चक्कर, वो नज़र आ गई भाई, नज़र आ गई सिमी, मुझे नज़र आ गई। अभी देखेगी, अभी देखेगी, अभी तो, अब तो ये पीछे आ गई लाइन सिमी। पागल है, चल चुप 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 चुप, पागल है, पागल है, चुप। मिल चल।
कुछ ज्यादा ही वेट ना करवा दी तुमने। बैग से लेट हो गए। इतने लेट नहीं हुए बैग, हम तो बात कर रहे हैं महीनों सालों की। दो चार दस मिनट के वेट की बात नहीं कर रहे हैं। दो साल हमें पता है ना, ये तो शुक्रमान वीडियो कॉल और ये सब था हमारे पास। क्या मूवमेंट है, था, चल रहा है। कई बार ना बताना मुश्किल हो जाता है अभी जो फील हमने किया सब ने ना। गाड़ी में बैठते हैं फिर बात करते हैं। साइड में लगा ले ऐसी दबा ले साइड में। चक्कर में लिए गाड़ी बड़ी ने तुझे पिक करने के चक्कर में बड़ी गाड़ी ली इसने। चॉकलेट ना छोड़नी भाई इसने। कुछ थोड़ा बहुत मेकअप शेकअप होगा वो खराब कर लिया। जैसे विदाई पे न रहो तो इधर तो आने पर हुई। ओ भाई साहब बस चल आराम से। तुम दोनों साथ में ही हो, चिंता मत करो। बहुत सारी बात करना। क्या बात है बेबे, ठीक है ना बेटे? नमस्ते ठीक ठाक? इतनी तेज गाड़ी भगा के नहीं पीछे छोड़ी है मुझे। ओ भाई साहब लगी पता पापा की है सरप्राइज। बस अब बता दिया, अब दिखाई दिया तो बता दिया। गाय नहीं देखी थी दो साल में, गाय सांड अभी दिख गए। और क्या दिखा? तेरी गली के बाहर पैदल आऊंगी मैं, कुत्ते ही करते छोड़ जाएंगे। चल के ना आएगी, भाग के आएगी। दस मिनट के रास्ते में एयरपोर्ट, उसमें तो दादे फ्लाइट में क्या वो था। अभी रात के 2:19 हो रहे और हमारी बर्गर पार्टी चल रही सब गया भाई। शाम बर्गर पार्टी भाई साहब। पहली बार हम 2:30 बजे रात के लगभग 2:20 हो रहे हैं और कोई टाइम तो है ना मिल का, बट फिर भी जो है सब बैठे साथ में मजा आ रहा है। तुम गुड नाइट, बाय बाय सिमी भाई। बेटा सोते हुए जाएगा घर? हमें अभी लग रहा सोता हुआ। रख दो बैग अभी सारे। अभी पता ऐसा है हाँ भाई, अब तुम सोचिए, सो रहे मत सो, जगते रहो, रज जग करो, हमारा सोने का टाइम होगा। मेरी तो सुबह है ना। हाँ तेरी सुबह हुई है बट हमारी ना 3 बज गए। गुड नाइट। क्या ये था? ये वाई सेक्शन दोनों की तरफ से तेरे लिए। क्या गिफ्ट है? खोल। अब मुझे सच में वो हो रहा है, शादी आ रही है। ओ भाई साहब सोने के नकली उतारे हैं मेरे कान। तूने नकली पहन रखे थे ना इसलिए इन्होंने असली दी। वो नकली पहन के आई ना यहाँ से, नकली पहन के आई तो असली दी। कौन है? हाँ भाई सुने सक्षम वायु, तो अगर ये कनाडा जाएगा इसके लिए भी आएगा। 3 साल मांगूंगा सच में। नहीं मम्मी ने दी। क्या गजब का टाइम निकला ना। मतलब देखो सिमी से 2 साल बाद मिल रहे हैं ऑलमोस्ट, तो वो तो मजा अपनी जगह है ही है जो मजे किए ना। अभी हमने बैठे हैं, 3 बज गए हमें, लगभग 3:15 बज रहे हैं अभी। अमित और उन चले गए, बच्चे चले गए सराय वाले, भांजे भांजे ही रुके हुए हैं और खूब अभी वो रात भर गप्पे मारने वाले हैं। 2 साल का कोटा पूरा करेंगे, इतना आराम से सोएंगे नहीं। कुछ मूवमेंट तो मिस हो गए क्योंकि मैं गाड़ी में था, वायु और वरुण और ये सब अलग गाड़ी में थे, बच्चे ये पहले पहुंच गए। तेज तो चलाएंगे, हमसे ज़्यादा तेज चलाते हैं गाड़ी। एक जगह रास्ता बंद मिला तो घूम के आने से मैं लेट हो गया, तो जो घर पे आने का मोमेंट था काफी हद तक मिस हो गया मेरे से, शूट करने में और देखने में भी। बट जो भी था एंड ऑफ द डे बहुत मजा आया यार, सिमी से मिलके बहुत मजा आया। थोड़ा सा सिमी भी भावुक हो गई, हम सब भी भावुक हो गए, बट वो अपनी जगह है। बहुत 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 ज़्यादा वेरी हैप्पी यार, बहुत अच्छा लग रहा है।
वेल इस वीडियो को यही एंड करता हूँ. कैसा लगा आपको जल्दी से कमेंट करके बताना यार. अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो. और प्लीज शेयर करना ना भूलें. और कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना. आपके कमेंट से मालूम पड़ता है कि वीडियो कैसा लगा. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में.